हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब लोग खुश रहिए, अच्छे से रहिए। माता रानी से हमारी यही प्रार्थना है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं सुबह सुबह 4 बजे ही गई थी फूल लेने। फूल लेके मैं आ चुकी हूँ और 5 बजे हमारा झाड़ू पोछा सब कुछ मेरा कंप्लीट हो चुका है। बस अब मैं नहाने जा रही हूँ। तो आज नवरात्रि है, माता रानी सबको सुखी रखें, अच्छे से रखें, सब लोग खुश रहें, यही हमारी मनोकामना है माता रानी से। तो मैं फूल ले आई हूँ, बच्चे हमारे सोए हैं सब लोग और हम 4 बजे के उठे हैं और हमारे सारे काम हो गए हैं लगभग, बस हमको नहाना है। तो सोचा कि सबको नवरात्रि की शुभकामनाएँ दे देते हैं, उसके बाद नहाने चलते हैं। पर देखिए, हमने इतना फूल तोड़ा हुआ है, जितना मिला बहुत मिला था, बहुत अच्छा है। गुलाब के फूल हैं, अड़हुल के फूल हैं, कुछ खिले हैं कुछ नहीं, तो खिल जाएंगे। और यहाँ पर मैं मंदिर को अपने सजा दी हूँ, यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ अब और मंदिर को सजा दिया है मैंने। मंदिर सजाते समय तो नहीं आप लोग देखे हैं मुझे कि मैं सजा रही हूँ, बट मैंने ही सजाया हुआ है और मेरी बेटी मेरे साथ में हेल्प की है मेरा, और हम दोनों माँ बेटी मिल के और पूरा देखिए यहाँ का डेकोरेट किए हुए हैं। कैसा लगा आप लोग बताइएगा हमें। तो यहाँ पर देखिए, बस माता रानी के पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब इनका सारा सामान हम इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद हम पूजा करेंगे। सब कुछ साथ इकट्ठा कर लेंगे, उसके बाद हम जो पूजा का है तो आराम से बैठकर पूजा हम करेंगे सब इकट्ठा करके। और यहाँ पर मैंने कलश वगैरह सब रख दिया है, माता रानी का पूजा कर दिया है, दिया बत्ती कर रही हूँ, जो धीरे धीरे आगे आगे कार्यक्रम कर रही हूँ अभी। और इसके बाद हम दुर्गा चालीसा करेंगे, आरती करेंगे। अभी मैं पाठ नहीं करती हूँ, तो मैं 9 दिन का जब व्रत रहूँगी तब फिर मैं पाठ करूँगी, मुझे 9 दिन का व्रत रहना है। बट अभी मेरा बाबू बहुत छोटा है ना, उसका सब कुछ मुझे देखना पड़ता है, वो कुछ भी अपने से नहीं कर पाता है, इसीलिए मैं अभी 9 दिन का व्रत नहीं रह रही हूँ। थोड़ा बाबू बड़ा हो जाए, थोड़ी सी परी भी बड़ी हो जाएगी और तो मुझे शायद थोड़ी हेल्प मिल जाए, नहीं भी मिलेगी तो कोई नहीं, बाबू थोड़ा बड़ा हो जाए तो हम व्रत शुरू करेंगे। हमें करना ही है माता रानी का व्रत, 1.5 साल और रुक जाते हैं तब उसके बाद हम पाठ करेंगे माता रानी का। पर मेरी माता रानी बहुत अच्छी लग रही थी, आप लोग बताइएगा कि मैंने पूरी सजावट, माता रानी की स्थापना सब कुछ मैंने कैसा किया हुआ है, आप लोग हमें बताइएगा कमेंट करके। और हमारे वीडियो में आप लोग कमेंट किया करिए तो हमें पता चलेगा क्या अच्छा है क्या खराब है। तो यहाँ माता रानी का आप लोग दर्शन करिए, सब लोग माता रानी, सबकी माता रानी मनोकामनाएँ पूरी करें। और बस हम यहाँ पर भजन कर रहे हैं पूजा करने के बाद। और आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट है कि जो जो भाई बहन हमारे चैनल पे नए आ रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ढेर सारा शेयर करें हमारे वीडियो को, तो हमें अच्छा लगेगा। और परी भी हमारे साथ जग गई थी तो वो भी हमारे साथ पूजा कर रही थी, मेरा दिया बत्ती हो गया तो अब परी यहाँ पर कर रही है। परी को भी पता है पूरा आरती याद हो गया है, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ वो पूरा गा जाती है। उसके बाद यहाँ पर मैं जल गिराने जा रही हूँ तुलसी जी को और सूर्य भगवान को। और बहुत गर्मी हुई थी, बहुत तेज़ धूप थी, तो पूजा करने के बाद मैं आराम से देखिए यहाँ पर बैठ कर तसल्ली से कूलर का हवा ले रही हूँ और परी ने वीडियो बना दिया हुआ था। मुझे स्कूल भी जाना था तो इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी हुई थी क्योंकि मैं फ़ैन नहीं चलाई थी ना। मंदिर कोई अलग से नहीं है, रूम में ही है मेरा, लेकिन फ़ैन चलाने से दिए बुझ जाते, तो सोचा मैंने आराम से पहले हवा ले लेती हूँ उसके बाद स्कूल चलती हूँ। तो मुझे भी कहीं बाहर जाना था तो मैं स्कूल गई लेकर, तो मैं रह गई थी, तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ बच्चों को लेकर। मैंने नाश्ता वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ है, सुबह में जो फलहारी दही वगैरह था सबने खाया, तो आते हुए मैं तुरंत नाश्ता बनाने लग गई, हाथ पैर मुँह धो के नाश्ता बनाने लग गई। तो मैंने आलू का भुजिया और साबूदाने की खीर बनाई थी और डुग्गू को मैं डांट रही थी कि वो बिजली का तार था, पंखा जो लगाई थी मैं प्लग में लगा हुआ था तो उसी को पकड़ के झूल रहा था, तो इसको मैं कह रही थी। तो मैं थे, परी थे, डुग्गू थे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी भाई बहन हमारे चैनल पे आ रहे हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर किया करिए प्लीज़। तो हमारा सारा काम हो चुका है ख़त्म और सबको मैंने नाश्ता करवा दिया है, एकदम गरम गरम बनाया हुआ था नाश्ता, साबूदाने की खीर बनाई हुई थी और आलू का भुजिया मैंने बनाया हुआ था। और फिर रात में देखते हैं क्या बनाना है, तो सब लोग नाश्ता करके रेस्ट कर रहे हैं और हम भी वीडियो का एंड करेंगे, उसके बाद जाके हम जरूर थोड़ा सा आराम करेंगे।
बजे के हम उठे हैं, थके थके लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं वो भी पता नहीं, हम तो थके हैं, हमको ऐसा लग रहा है कि हम थके हैं। तो हमारी पूजा कैसी लगी? बहुत अच्छे से गई हमारी पूजा, और कैसी लगी आप लोगों को ये हमें आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों की पूजा कैसी हुई है ये भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हमें बहुत अच्छा लगा माता रानी का ये जो नवरात्रि का फेस्टिवल होता है ना, ये मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। और पता है परी ने भी आज फास्ट रखा हुआ है, मैंने बहुत पता है मैं उसको इतना लालच दे रही थी, इतना सब कुछ कहा परी चलो तुमको ये देते हैं, उसका फेवरेट है जलेबी, मैंने उसको जलेबी के लिए बोला, और खाना नहीं बना पाई थी मैं, तो खाना नहीं बना पाई थी तो मैं बाहर से डुगू का टिफिन पैक करवा दिया, तो उसको भी बोली देखो ये है ये अच्छा अच्छा चीज़, लेकिन वो नहीं देख ही नहीं रही थी वो खाना को कि हमको क्या, नहीं मुझे नहीं खाना है, मैं बस फ्रूट खाऊंगी, मिठाई खाऊंगी, दही वगैरह सब ये सब सुबह में खा के हो गई थी, और एकदम पता नहीं कैसे आज के दिन उसको उसके मन में कोई लालच नहीं आ रहा था। तो मैंने बोला चलो भाई उसकी इतनी श्रद्धा है वो अगर रह रही है, तो उसने पिछले साल वाला नवरात्रि का भी फास्ट किया था और मैंने वीडियो डाला हुआ था, मैंने उसमें भी बताया है उसने किया था। तो फिर चलिए मिलते हैं एक अच्छी सी और प्यारी सी वीडियो के साथ, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारा शेयर करिए, हम आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज तसल्ली से बातें करने बैठी हूँ मैं, जल्दी मौका मिल नहीं पाता है, कोशिश करेंगे। और हमारे वीडियो को आप लोग जो लोग नए आ रहे हैं सब्सक्राइब करिए, हमें सपोर्ट करिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमें आगे बढ़ाइए, उसमें आप ही लोगों का हाथ है आगे बढ़ाने का। मिलती है एक अच्छी सी और नई सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना अच्छे से।